हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग का एक सेशन चल रहा है, केमिस्ट्री का एक सेशन चल रहा है जिसका नाम है विस्मेदम। विस्मेदम का ये आज हम लोग का थर्ड क्लास है। इसमें हम लोग को फर्स्ट क्लास आइसोटोप एंड आइसोबार के बारे में था। सेकेंड क्लास हम लोग को कार्बन के बारे में था, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में था। आज हम लोग का थर्ड क्लास है। आज का क्लास हम लोग को रहेगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में। क्या ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन से क्वेश्चन करेंगे, तो देखते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या क्या कैसा कैसा किस किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सभी लोग शेयर कर दीजिएगा। और आप लोग को बता दें कि एक पेड कोर्स लॉन्च हुआ है। पेड कोर्स केवल और केवल 200 रुपये का, सबसे सस्ता, कहीं से भी कहीं भी देख लीजिए, सबसे सस्ता और सबसे बेस्ट देंगे, सबसे बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। और ये सब जितना पीडीएफ है, ये सब पीडीएफ वहीं पे दिया जाएगा। जितना भी पीडीएफ है, पीडीएफ का सीरीज इसके साथ आंसर की, सभी लोग पेड कोर्स जो जो ज्वाइन किए हैं उन लोगों को दिया जाएगा। और ये 20 तक है, इसका डेट कब तक है, 20 तक। ये ज्वाइन करने का, पेड कोर्स ज्वाइन करने का डेट 20 तक है। 20 तक सभी लोग पेमेंट कर दीजिए। जो अभी तक पेमेंट नहीं कर पाए हैं उन लोग भी पेमेंट कर दीजिए, ठीक। बहुत लोग कर रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है, आज जो नए जुड़े हुए होंगे, नए लोग जुड़े जो भी होंगे, H2O स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो सब्सक्राइब किए होंगे, नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाए होंगे, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए। सपोर्ट कर सकते हैं 200 रुपया पेमेंट करके, उसके बदले आप लोगों को पीडीएफ और सेलेक्टेड क्वेश्चन दिया जाएगा। और ये विस्मेदम का थर्ड वीडियो है, ये केमिस्ट्री का पार्ट है, सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक। देखिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आप लोग की स्क्रीन पे देखिए क्या बोलता है कि ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, मतलब कि ऑक्सीडेशन इज ए केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, मतलब जहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन होता है वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन किस प्रकार का एक केमिकल रिएक्शन है, किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? तो इलेक्ट्रॉन का त्यागना, मतलब जहाँ पे भी ऑक्सीडेशन होता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन त्याग दिया जाता है। दूसरा क्या बोलता है, ऑक्सीजन का संयोग, यानी ऑक्सीजन इज एडेड। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन क्या होता है, एडेड होता है। या विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होना, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव ग्रुप इज इंक्रीज। तो जहाँ पे भी ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन का त्यागना, ये भी घटना घटता है। ऑक्सीजन का संयोग यानी ऑक्सीजन का कंबाइंड होना, ऐड होना, ये भी होता है। विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है, ये भी होता है। एक चीज और होता है, इससे जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का निकासी होता है, यानी हाइड्रोजन इससे बाहर निकलता है। जहाँ पे भी ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है उससे ऑक्सीजन बाहर निकलता है और ऑक्सीजन लेता है, और ऑक्सीजन लेता है और हाइड्रोजन को क्या करता है, सॉरी, हाइड्रोजन को छोड़ता है, यानी हाइड्रोजन बाहर निकलता है। तो इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर वो भी ऑप्शन में रहेगा तो वो भी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर फर्स्ट का, ठीक। अगला देखिए, अगला क्या बोलता है कि अवकरण वैसी अभिक्रिया जिसमें, अवकरण करने का मतलब कि डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन या रिडक्शन कुछ भी बोल सकते हैं। रिडक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन इन विच, रिडक्शन में क्या क्या हो सकता है, उसमें देखिए ऑक्सीडेशन में क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा था। इसमें क्या है, सॉरी, अवकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है, और ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन क्या होता था, त्याग करता था। लेकिन अब ये क्या है, ऑक्सीडेशन है, ये रिडक्शन है। इसमें देखते हैं कौन सा घटना घटता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, इलेक्ट्रॉन त्यागता नहीं है। ऑक्सीजन का संयोग, विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। हाँ, जहाँ पे भी रिडक्शन के बारे में या डिग्रेडेशन के बारे में, वहाँ ध्यान रखिएगा कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है अपनी ओर। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला देखिए, अगला बोलता है इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं, वैसा चीज जो इलेक्ट्रॉन त्याग देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, डिक्लोराइजेशन यानी अवकरण, या रिडक्शन भी बोल सकते हैं, उत्प्रेरण, कैटालिस्ट या अभिप्रेरण, मोटिवेशन। तो ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है उसको हम लोग ऑक्सीडेशन। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला बोलता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को क्या करते हैं, तो जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जाता है उसको हम लोग अवकरण बोलते हैं, अवकरण मतलब रिडक्शन। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक। अगला देखिए, अगला क्या बोलता है,
अगला बोलता है विद्युत धनात्मक, क्या विद्युत धनात्मक तत्वों से संयोग करने की क्रिया को क्या कहलाता है? मतलब कोई भी चीज हो, वो कोई भी पार्टिकल हो, विद्युत धनात्मक एलिमेंट के साथ क्या कर रहा है, कंबाइंड हो रहा है, उसके साथ जुड़ रहा है, तो उसको हम लोग क्या, उस घटना को, जुड़ने की घटना को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, डिक्लोराइजेशन, या फ्यूजन, या कम्बस्टन, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी अवकरण, क्या है, डिक्लोराइजेशन या रिडक्शन बोलते हैं, जहाँ पे भी विद्युत धनात्मक तत्वों से संयोग करने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, अवकरण। ठीक, अगला देखिए बोलता है, अब बोलता है कि विद्युत ऋणात्मक तत्वों या समूहों से संयोग करने की क्रिया को क्या बोलते हैं। हम लोग ऊपर में विद्युत धनात्मक था, अब ये क्या है, विद्युत ऋणात्मक तत्वों या समूहों से संयोग करने की क्रिया को क्या बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग विथ निगेटिव एलिमेंट्स और ग्रुप इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। जहाँ पे भी विद्युत ऋणात्मक के बारे में आए तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और जहाँ पे विद्युत धनात्मक के बारे में आए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन, अवकरण। ठीक, फिर अगला देखते हैं, अगला क्या बोलता है, अवकरण, अवकरण अभिक्रिया में विद्युत ऋणात्मक तत्व अथवा समूह के अनुपात में क्या होता है, वृद्धि होता है, या कमी होता है, या इसमें से कोई नहीं, या न कमी होता है न वृद्धि होता है। तो जहाँ पे भी ऑक्सीडेशन अभिक्रिया होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है, वहाँ पे भी विद्युत ऋणात्मक तत्व का समूह होता है, विद्युत ऋणात्मक तत्व का घटना घटता है, तो वहाँ पे भी विद्युत ऋणात्मक तत्व का समूह का जो अनुपात है उसमें क्या डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, नाइदर डिक्रीज और नॉर इंक्रीज, या नन ऑफ दी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी इज, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, सॉरी इसमें ऑप्शन आगे पीछे लगा हुआ है, तो ऑप्शन बी, ये जो वृद्धि होता है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, जहाँ पे भी ऑक्सीडेशन का क्रिया होगा, ऑक्सीडेशन जहाँ पे होगा वहाँ पे उसका जो विद्युत निगेटिविटी है, इलेक्ट्रिकली निगेटिविटी एलिमेंट है उसका, उसमें वो इंक्रीज आएगा, इलेक्ट्रो निगेटिविटी एलिमेंट में इंक्रीज आएगा। अगला बोलता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन वह प्रक्रिया जिसमें तत्व की संयोजकता, अब बोलता है ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एलिमेंट का जो वैलेंसी है उसमें क्या होता है, वैलेंसी, जो एलिमेंट का वैलेंसी है वो घटता है, बढ़ जाता है, या अपरिवर्तित रहता है, या इसमें से कोई नहीं। इससे क्वेश्चन पूछता है, इससे क्वेश्चन पूछता है कि जहाँ पे भी ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है वहाँ पे जो भी एलिमेंट ऑक्सीडेशन में भाग ले रहा है, तो उस एलिमेंट का जो वैलेंसी है उस वैलेंसी में क्या होता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, या और कोई घटना घटता है। तो ध्यान रखिएगा कि इन उसमें क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, जहाँ पे भी ऑक्सीडेशन होगा उसमें जो वैलेंसी आएगा एलिमेंट का, वो उस वैलेंसी में क्या होगा, एलिमेंट के वैलेंसी में इंक्रीज होगा, बढ़ोतरी होगा। अगला बोलता क्या है कि, अगला बोलता है कि ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया में जहाँ पे भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो रहा है, सॉरी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, जहाँ पे भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। ये भी ध्यान रखना है, रेडॉक्स रिएक्शन, ये रिएक्शन जिस समय पढ़ा रहे थे उस टाइम इसके बारे में सब चीज बताए हुए हैं। तो बोलता क्या है कि ऑक्सीडेशन अवकरण अभिक्रिया में परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो कोर इलेक्ट्रॉन वही होता है जो अस्थाई इलेक्ट्रॉन हो जाता है, यानी अपने आप को अस्थाई मालूम, अस्थाई अपने आप को कर लेता है, जो भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है वो त्याग देता है, इसके बाद वो अस्थाई हो जाता है, जो अस्थाई होता है वही कहलाता है कोर इलेक्ट्रॉन। इसके बाद क्या बोलता है, परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, परमाणु की पहली कक्षा के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, या परमाणु के नाभिक में जो रहते हैं वो भाग लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा होगा, जो भी परमाणु का संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में भाग लेते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब कि जैसे का सोडियम का क्या, 2 + 8, 8 2 10 और 1 11, क्योंकि 11 इसका होता है परमाणु संख्या। तो देखिए 2 और 8 ये तो कोर इलेक्ट्रॉन है, 8 2 10 क्योंकि इतना ही में ये अपने आप को स्थिर हो जाता है, तो ये 8 2 10 10 इसका कोर इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये जो एक है ये संयोजी इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, और यही क्या करता है, जो एक है यही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में यही इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, जो एक बचा है वो। तो अगला देखते हैं, अगला क्या बोलता है, किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अवकरण मतलब कहाँ, जहाँ पे भी, जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है वहाँ पे क्या अलग अलग होता है, या एक साथ सब होता है, या पहले ऑक्सीकरण होता है तब रिडक्शन होता है, पहले अवकरण तब ऑक्सीडेशन। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जहाँ पे भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है वहाँ पे क्या करते हैं, वो साथ साथ अभिक्रिया करता है, किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अवकरण क्या होता है, साथ साथ, साथ साथ होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो इसका कौन सा होगा, 10 का ऑप्शन बी एक साथ होगा।
आगे देखते हैं 11 क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक एवं अकारक दोनों है, मतलब कि ऑक्सीडेशन एजेंट और रिडक्शन एजेंट या ऑक्सीडेटिव या रिफ्रैक्टरी कौन है, H2O2 या KCLO3, KMnO4 या H2S। तो निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक एवं अकारक दोनों है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए H2O2। H2O2 ये क्या है, ये ऑक्सीडेशन एजेंट में है और रिडक्शन एजेंट में, मतलब ऑक्सीकारक ऑक्सीजन में भाग भी लेता है और ऑक्सीडेशन में और रिडक्शन में भी, दोनों में ऑक्सीकारक उसी को तो बोलते हैं, ठीक H2O2। अगला क्या बोलता है सो देखिए, अगला बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक तथा अकारक दोनों की तरह प्रयुक्त किया जाता है, मतलब कि इस ये भी पूछ रहा है कि दोनों तरह का कौन बिहेव करता है जो ऑक्सीडेटिव है और रिफ्रैक्टरी, मतलब कि अकारक भी है और ऑक्सीकारक भी है। सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्राइट या सोडियम सल्फाइट। तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये जो सोडियम नाइट्रेट है, ये सोडियम नाइट्रेट क्या है, ये अकारक और ऑक्सीकारक दोनों में पार्टिसिपेट करता है, ये सोडियम नाइट्रेट। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, 12 का ऑप्शन सी। 13 क्या बोलता है, हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया है, हाइड्रोजन का जलना यानी हाइड्रोजन को हम लोग क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं, कोई भी चीज में कहीं भी, जैसे नहीं कहीं भी मैं वैसे मत कीजिए, क्या कीजिए, हाइड्रोजन को ही जलाइए, जो हाइड्रोजन को जलाएंगे तो इसमें हाइड्रोजन का क्या होगा, कमी होगा, और जहाँ पे हाइड्रोजन का कमी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन ही तो बोलते थे। ऑक्सीडेशन में क्या क्या घटना घटता था, ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन लेता है, हाइड्रोजन का संयोग होता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्यागता है, हाइड्रोजन को भी क्या करता है, त्यागता है। तो यहाँ भी बोल रहा है हाइड्रोजन के जलने से संबंधित कौन सा चीज होगा, तो हाइड्रोजन जलने के संबंध में कौन सा प्रक्रिया, ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला बोलता है लोहे पर जंग लगना किसका एग्जाम्पल है, लोहा में जंग लगाना, लोहा ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, कंबाइंड होता है तभी तो जंग लगता है, तो ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए क्या बोलता है कि Fe, देखिए Fe लोहा है, Fe में पहले दो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, त्याग रहा था, अभी क्या कर रहा है, तीन इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, त्याग रहा है। तो ये जो Fe2 से Fe3 में, यानी पहले दो इलेक्ट्रॉन त्यागा, अभी क्या किया, तीन इलेक्ट्रॉन त्यागा, तो दो से तीन इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, तो यहाँ से ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तब तो अपने आप को पॉजिटिव महसूस कर रहा है, मतलब क्या कि खूब खूब अपना धन बांट रहा है, अपना धन बांट रहा है ताकि अगले को गरीब महसूस नहीं होने दे, उस टाइप का कर रहा है। तो Fe क्या है, शुरू में दो को दे दिया दूसरे को कि भाई तू ले जो अपन, फिर क्या किया अभी तीन को दे दिया इलेक्ट्रॉन, तो तीन इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये तो तीन पॉजिटिव ही होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है तो प्रोटॉन जितना है उतना ही रहेगा, तो वो अपने आप को पॉजिटिव जैसा महसूस करेगा। तो वही बोलता है कि अगर शुरू में दो दिया अब तीन दिया, ये ट्रांसफर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो स्टार्टिंग में ही बताया था कि जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 15 का ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ऑक्सीडेशन। अब आता है क्या 16, अब बोलता है किसमें क्लोरीन का ऑक्सीकरण अवस्था +1, अब इसमें देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि ऑक्सीडेशन नंबर, इसका कोई भी कंपाउंड दे देगा और उसका बोलेगा कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए या ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। तो देखिए ये 16 से आगे जितना भी क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को, सब में पूछेगा कि ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के बताइए या इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए कि इसमें नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन का कितना होगा। तो वही बोलता है कि ऑक्सीडेशन, इसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था, सॉरी किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है, तो हाइपोक्लोरस अम्ल इसमें भी क्लोरीन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसमें भी क्लोरीन है, जिंक क्लोराइड इसमें भी क्लोरीन है, और ये क्लोरीन तो है ही है। तो वही बोलता है कि क्लोरीन में किसका ऑक्सीडेशन नंबर किसका है +1 है। तो सबसे पहले हमको बताना होगा कि ऑक्सीडेशन निकालते कैसे हैं, किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन कैसे निकालते हैं, तो इसको सीखने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं और वहां पे सीखते हैं कि ऑक्सीडेशन को कैसे निकाला जाता है। तो देखिए ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग कैसे निकालते हैं सर, हम लोग का 16 नंबर क्या बोल रहा था, 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा था कि
किसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, यानी क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोगों को क्या पूछ रहा है, +1 किसका है। तो हम लोग को दिया हुआ ऑप्शन क्या, हाइपोक्लोरस अम्ल। तो हाइपोक्लोरस अम्ल का पहले फॉर्मूला लिखना होगा का, HClO, हाइपोक्लोरस अम्ल ये है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl है, फिर क्या है, जिंक क्लोराइड है, ZnCl2 होगा, और फिर क्लोरीन है। इसमें से बोलता है ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, इसमें से क्लोरीन का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए, +1। अब देखिए, अब यहां से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते कैसे, क्या होता है उसको बाद में समझेंगे, लेकिन पहले हम लोग को निकालने सीखना है। तो इसको निकालने के लिए कुछ कुछ टर्म है, उसको आप लोग को याद रखना है, मतलब छोटा छोटा पॉइंट है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर याद रखिएगा बस। जैसे जो जो लिख रहे हैं उसको याद रखिएगा, के जहां पोटेशियम मिले, के का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, ऑक्सीजन का कितना है -2 है, CN का कितना है -1, सोडियम Na का कितना है +1, CO कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना है 0, NH3 अमोनिया का कितना है 0, फ्लोरीन F का कितना है -1, और यहां से देखिए क्लोरीन, क्लोरीन का कितना है -1। जो जो लिख रहे हैं उसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। लिथियम का कितना है +1, एसेट सल्फर का कितना है 0, एनओ का कितना है, एनओ का है 0, मैग्नीशियम का कितना है +2 है, और हाइड्रोजन का +1, और जिंक का +। तो यहां से इसको याद रखना है, इसको याद रखना है। अभी इसी के सहायता से, इसी के हेल्प से हम लोग इसका निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले HClO में देखते हैं कि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहा। तो एक चीज यहां से ध्यान रखिएगा कि जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए बोलेगा उसको हम लोग को क्या करना है, X मान लेना है। तो जैसे देखिए यहाँ कौन कौन सा है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन का पहले ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं, यहाँ से देखते हैं हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, यहाँ से देखिए +1 है। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 लिखेंगे, और क्लोरीन को हम लोग को पूछ रहा है कि क्लोरीन का 1 है या नहीं है किस में, तो क्लोरीन को पूछ रहा है, यहाँ 1 होगा, क्लोरीन को पूछ रहा है तो क्लोरीन का मान लेते हैं X। और ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीडेशन नंबर देखिए ऑक्सीजन का -2 है, तो यहाँ -2 बराबर इसको 0 से इक्वेट करना है। तो देखिए यहां से देखते हैं 1 + x + -2 = 0, तो यहां से करेंगे तो क्या हो जाएगा, x - 1 = 0, तो x = 1, और x = हम लोग क्या लेट किए थे, x = क्लोरीन, तो x = क्लोरीन = +1, यानी क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 1 किसका, तो ऑप्शन नंबर HClO यानी फर्स्ट ए का आंसर आ जाएगा। मतलब हाइपोक्लोरस अम्ल में जो क्लोरीन है, इस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +1 है, ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे ही निकाला जाता है। ठीक, तो ये 16 का आंसर हो जाएगा ये। और देखिए और ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाल सकते हैं, सो देखिए इसको यहीं पे रहने देते हैं, इसी के सहायता से हम लोग इधर ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की कोशिश करते हैं। अगला देखिए, अगला बोलता है 17 कि F2O में, यानी हम लोग को क्या कंपाउंड दिया हुआ, F2O में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अवस्था, यानी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है अभी किसका, ऑक्सीजन का। तो अभी ऑक्सीजन का निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ क्या है, फ्लोरीन, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन यहाँ देखिए -1 है F से, तो फ्लोरीन का जब -1 है और ये कै गो है, 2 गो है, देखिए फ्लोरीन कै गो, 2 गो, तो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 * क्या हो जाएगा 2 + ऑक्सीजन का हम लोग को पूछ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीजन को x मानेगा और 0 से इक्वेट करेंगे, यहाँ क्या होगा -2 + x = 0, तो x = क्या हो जाएगा माइनस, इधर जाएगा +2, यानी x = +2, यानी x = क्या माने थे हम लोग, x = ऑक्सीजन माने, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +2, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे ही निकाला जाता है। तो 17 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, x = +2। इसी तरह से हम लोग और निकाल सकते हैं आगे, जैसे KMnO4 है, मतलब मैग्नीज ऑक्साइड है, KMnO4, उसको देखिए उसका हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, लेकिन उस ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए ये वाला ध्यान रखना होगा, और सबका अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर होता है। जैसे K2 क्या बोल रहा है, K2MnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, ऑक्सीडेशन स्टेट किसका, मैग्नीज का। तो देखिए मैग्नीज का भी निकल जाएगा, ऑक्सीजन का भी निकल जाएगा, K2 का भी निकल जाएगा, सबका ऑक्सीडेशन नंबर होता है,
सबका निकल जाएगा। तो हम लोग को फिलहाल बोला है कि इसका मैग्नीज का ऑक्सीडेशन निकालने के लिए, तो सबसे पहले हम लोग मैग्नीज को क्या करेंगे, ये मैग्नीज है, मैग्नीज को एक्स मान लेंगे, और के का देखते हैं के का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, किधर है के, यहाँ देखिए के का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +1। तो यहाँ लिखेंगे क्या, +1 लिखेंगे, केवल 1 लिखते हैं 1, और इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, क्योंकि 2 गो है, प्लस मैग्नीज के क्या लिखेंगे एक्स प्लस। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का कितना है, -2, तो यहाँ लिखेंगे -2, लेकिन ये है कै गो, 4 गो है, तो -2 × 4 = 0। अब कैलकुलेशन कर दीजिए तो यहाँ मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकल जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 + 1, यहाँ +(-)-4 × 8 = 0, 8 में से 2 गया, यानी x - 6 = 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, +6, यानी x बराबर हम लोग क्या माने थे, मैग्नीज, तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, +6। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का यही तरीका है, और ये एग्जाम में बाई चांस पूछता है, जैसे यूपी वालों के लिए ना, यूपी वालों के लिए पूछा हुआ है, क्योंकि यूपी में थोड़ा हार्ड पूछता है, वहाँ पे ध्यान रखना है, जो भी पारा मेडिकल वाले भी होंगे, पारा मेडिकल डेंटर वाले भी होंगे, उन लोगों के लिए भी ये कंपलसरी, क्योंकि केमिस्ट्री सबका कंपलसरी है। तो यहाँ से ऑक्सीडेशन नंबर निकल गया कितना, +6, तो कितना नंबर का क्वेश्चन था, 18। K2MnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +6, यानी ऑप्शन 6 इज करेक्ट आंसर। लेकिन इस ये जो डाटा दिए, ये टेबल, इस टेबल को याद रखिएगा, मेन मेन को थोड़ा याद रख लीजिएगा बस, जैसे पोटेशियम हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, सोडियम का जरूरी पड़ता है, फ्लोरीन का जरूरी पड़ता है, क्लोरीन का जरूरी पड़ता है, फिर मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम का जरूरी पड़ता है, हाइड्रोजन का एक जरूरी पड़ता है, ये सब जरूरी पड़ता है। तो ये सब याद रखिएगा तो ऑक्सीडेशन नंबर आराम से निकल जाएगा, ठीक। और आगे देखते हैं, और आप लोग को भी दे दे रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए, और आप लोग भी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगला क्या है, K2Cr2O7 में अभी क्या दिया हुआ है, K2Cr2O7 में, इसमें हम लोग को क्रोमियम का क्या, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलेगा, तो सबका क्या करते हैं, अलग अलग निकालते हैं। चलिए पहले इसको क्रोमियम का क्या है, यहाँ 2 है, तो इसको एक्स मानेंगे, एक्स क्या हो जाएगा, X2 हो जाएगा, जैसे देखिए तरीका बताते हैं, K2 के कितना है, के +1 है, तो यहाँ होगा +1, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, बीच में प्लस होगा क्योंकि प्लस है। क्रोमियम का कितना है ऑक्सीडेशन नंबर, क्रोमियम का तो निकालना ही है, क्रोमियम को हमको एक्स मानना होगा, और इसमें ये क्या गो है, 2 गो है, तो इसको 2 से पहले मल्टीप्लाई कर देना होगा। प्लस ऑक्सीजन का कितना है, किधर ऑक्सीजन, यहाँ -2, तो यहाँ -2 लिखना होगा, और गुना करना होगा कितना, 7 से, क्योंकि O7 = 0 से इक्वेट करना होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर यही कहता है कि जितना भी एलिमेंट दिया हुआ है, जितना भी मॉलिक्यूल दिया हुआ है, सब मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर को जोड़ने के बाद उसका रिजल्टेंट कितना आता है, 0 आता है, ऑक्सीडेशन निकालने का ये नियम है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ हो जाएगा 2x हो जाएगा, और यहाँ -7 × 2 के अंदर कितना हो जाएगा, 14, तो 2x, और यहाँ -12 = 0, तो 2x = 12, तो x = क्या हो जाएगा, 2×6 = 12, यानी +6। तो K2Cr2O7 में Cr क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +6, क्रोमियम का कितना हो जाएगा, +6, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 17 था ना, कितना था, 19 का ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो आई होप आप लोग सीख गए होंगे कैसे कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है। सो देखिए, अब ये तो डायरेक्ट था, अब कभी कभी आयन के रूप में दे देता है, कैसा, आयन के रूप में, तो आयन वाला देख लेते हैं कि ऊपर में जैसे +2 - 2 ऐसे करके निकाला दिया हुआ रहता है। तो एक चीज पहले हम आप लोगों को देते हैं, 20 नंबर आप लोग बनाइएगा, क्या दिया हुआ है ना कि Na2SO4 में सल्फर, Na2SO4 में सल्फर, ये जो सल्फर है ना, इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर Na2SO4, ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन एक और देते हैं, सेकेंड क्या है कि KMnO4 में, KMnO4 KM सॉरी ये तो दोनों साथ में, मैग्नीज एन छोटा होगा, KMnO4 में, KMnO4 में मैग्नीज Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट, Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट जिस तरह से बताए हैं उसी तरह से निकालना है, इसको निकालना। और थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन हम बताते हैं,
तो ये दो को क्या करना है आप लोग को जवाब देना है नीचे कमेंट बॉक्स में, तो याद रखना है। तो देखिए अब इसका एक और है कि वो अलग टाइप का है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे। जैसे दिया हुआ क्या दिया हुआ, हेक्सा साइनोफेरट आयन, हेक्सा साइनोफेरट आयन क्या है, एफी एफी सी एन एफी सी एन सिक्स के पावर में दिया है आयन है ना, इसलिए पावर में कितना दिया हुआ है, फोर माइनस। अब इसमें बोलता है कि एफ ई का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। ये जो एफ ई है एफ ई, इस एफ ई का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। तो देखिए जहां पे भी ऊपर में -4 +4 +3 -3 -2 ऐसे दिया हुआ रहेगा, तो हम लोग क्या करते थे कि इसका ऑक्सीडेशन प्लस इसका ऑक्सीडेशन प्लस इसका ऑक्सीडेशन, सबका ऑक्सीडेशन को हम लोग क्या करते थे, सबको जोड़ के और जीरो से इक्वेट कर देते। लेकिन जहां पे भी उसका पावर में दे दिया हुआ है, ये आयन के रूप टर्म में है, आयन आयन के रूप में है, तो ये जीरो के बराबर नहीं होता, जितना इसका फाइनल आयन होता है उसके बराबर होता है, यानी इसका -4 है तो ये -4 के बराबर होगा, ये चीज इसमें ध्यान रखना है। तो सबको एक एक करके लिखते हैं, एफ ई का हम लोग पूछ रहा है तो एफ ई को एक्स मान लेते हैं, अब बीच में प्लस करेंगे। अब सी एन सिक्स है, देखिए तो सी एन डायरेक्ट है, देखिए सी एन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -1, तो सी एन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 इंटू कितना है 6 बराबर, ये किसके बराबर होगा, -4 के बराबर, ये जीरो नहीं होगा, अगर यहाँ कुछ नहीं रहता पावर में तो जीरो से इक्वेट करते, लेकिन जो भी आयन के टर्म में रहता है, आयन के टर्म में पूछता है, तो जो भी उसका फाइनल आयन होता है वही उसका इक्वेशन बनाने के लिए हेल्प करता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, एक्स प्लस माइनस माइनस एक्स माइनस सिक्स बराबर -4, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा -4 + 6, तो एक्स बराबर +2, यानी इसमें एफ ई सी एन सिक्स के पावर 4 माइनस, मतलब हेक्सा साइनो फेरेट आयन में, आयन देखिए लिख दिया है, हेक्सा साइनो फेरेट आयन में लोहा का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2, तो इसका भी हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। तो सब तो निकल रहा है, अब आप लोग को भी बनाना है, आप लोग को जो दिए हैं वो बनाना है, दो को क्वेश्चन दिए और देते हैं, अभी कम से कम 5 को नहीं देंगे तो कैसे मजा आएगा। तो देखिए अगला क्या है, Na2 सेकेंड दो को दिए थे, अब थर्ड देखिए, थर्ड क्या बोलता है ना कि Na2H2O3 Na2H2O3 में सल्फर का S का ऑक्सीडेशन नंबर, X का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के बताना है, ठीक, थर्ड के बाद 4, और सबका कमेंट का रिप्लाई देंगे किसका सही है किसका गलत है, तो सबको को जवाब देना है, ठीक। अगला बोलता है ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड का क्या होता है, H2C2O4 में, अभी इसमें पूछ रहा है कि कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, ठीक, 4 हो गया, अब इसके बाद 5, और ये जो टेबल है इस टेबल को याद रखना, अभी क्या बोलता है कि 5 बोलता है, क्या बोलता है, ओ एफ टू आसान है, ओ एफ टू में ऑक्सीजन का, ये ऑक्सीजन है OXYGEN, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ठीक। तो इतना सारा क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करके बनाना है, और ये जो बताए हैं ये इसका सॉरी इसको याद जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसको याद नहीं कीजिएगा तो पहले हमको ये निकालने के लिए सिखाना होगा, इसके बाद ये, और उतना टाइम नहीं, कुछ कुछ तो याद भी कीजिए, ऐसा थोड़ी ना कि सब चीज ट्रिक से ही और सब चीज ऐसे ही हो जाएगा, तो कुछ कुछ याद भी करना जरूरी पड़ता है, तो इसको याद कर लेना है और भूलना नहीं है, एग्जाम से पहले भूलना नहीं, एग्जाम के बाद भूल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे नहीं दिक्कत होगा, लेकिन आगे भी जब सेमेस्टर में जाएगा उस टाइम भी ये सब निकालने के लिए सीखना होगा, इसलिए अभी नहीं, ये बहुत लंबा समय तक ये काम देगा, तो इसको भूलना नहीं है, ठीक।
और बस आज इसको यहीं तक खत्म करते हैं। और आप लोग अगर पेड कोर्स अभी तक नहीं परचेज कर पाए तो पेड कोर्स सभी लोग परचेज कर दीजिए, मात्र 200 रुपया, 200 रुपये का ही चार्ज ले रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं ले रहे। इसका लास्ट डेट कल तक है, इसके बाद फिर क्लोज कर दिया जाएगा पेड करने का ऑप्शन, ठीक। बस और सबको जो जो भी क्लास जो जो भी पैसा पेड कर दिए हैं उन लोग को आज प्रोसेस बता दिया जाएगा कि कैसे कैसे करना है। आप लोग को सबको व्हाट्सएप एक ग्रुप बना दिया जाएगा और सबको